नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रेम की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं प्रताप और देव की। सुखद दाम्पत्य जीवन की मनोकामना लेकर पति दंडवत होकर पहुंचेगा मां कैरा की दरबार। मां कैरा दरबार पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। अब खबर विस्तार से। यूं तो मां भगवती कैरा के दरबार में कई भक्त अपनी अपनी फरियादें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन 365 दिन मां कैरा देवी में भक्त पहुंचते हैं। पर चैत्र माह में लगने वाला मेला में ऐतिहासिक भीड़ होती है। पूजन और मन्नत से संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं। खासकर चैत्र माह में लगने वाले मेले में तो काफी बड़ी संख्या में भोक्ता प्रत्येक वर्ष अपनी मनोकामना के लिए कठिन उपवास कर जलते हुए अंगारों और कांटों पर जलकर कठिन परीक्षा देते हैं। मगर ये दास्तां पति और पत्नी के अनूठे प्रेम को बयां करती है। इन दोनों ने अपने सुखद और निर्विवाद दाम्पत्य जीवन के लिए माँ भगवती कैरा से कामना कर एक कठिन व्रत लिया है। जहाँ पत्नी देवकी लोहार ने दिव्यांग होने के बावजूद पैदल चलकर पोटर खोली से माँ कैरा के दरबार तक पहुँचने का निश्चय किया, तो वहीं पति प्रताप लोहार ने इससे भी कठिन प्रण लिया है। वो पोर्टर खोली से दंडवत होकर मां भगवती के दरबार पहुंच रहा है। दोनों 12 अप्रैल को निकले हैं और 14 अप्रैल को मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। ये दोनों चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की कहानी भी कुछ खास है। पत्नी देवकी की 10 वर्ष की आयु में चलाबेड़ा के लकड़ी टाल में गई थी। इस दौरान लकड़ी का बोंटा पैर में गिर गया। उसके बाद उनका पैर कटना पड़ा और वो दिव्यांग हो गई। इसके बावजूद प्रताप लोहार ने उनसे शादी कर उन्हें अपना जीवन संगिनी बनाया। अब किसी दूसरी स्त्री के द्वारा उनके वैवाहिक जीवन में खलन डाला जा रहा है, जिसके बाद प्रताप लोहार ने मां कैरा से मन्नते कर चक्रधरपुर के पोटर खोली में दंडवत होकर मां कैरा के दरबार तक पहुंचने का प्रण लिया है। उनकी यही मनोकामना है कि वे अपने दाम्पत्य जीवन का सही से निर्वाह कर सके। जय मां कैरा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।